Hi guys, this is Pooja Mantri and obviously this is Sagar Mantri and today's topic is three things you should not be eating and three things you should be eating. So let's dive into it. So let's start with three things what you should not be eating for burning fats. Eating peanut butter. Because peanut butter seems to be very rich in protein, but it's richer in calories, and also it's very acidic in nature. Like most companies use cheap quality peanuts for their peanut butter, so ज़्यादातर companies जो आपको मिल रही है market में वो cheap quality peanuts use करती है अपने peanut butter में, जो कि और acidic हो जाता है आपकी body के लिए, जो आपको और unhealthy बनाएगा. और ज़्यादातर लोगों को लगता है peanut butter is high in protein, muscle building, or you know what all they think, but no, peanut butter is very bad for your health and obviously for your weight loss. Calories भी बहुत high होती है peanut butter की. And thirdly is bread. Just don't eat it. Yeah, like white bread is more bad than you know any type of rice you eat. Anything white bread is very bad for your system. The way it is manufactured, जैसे वो बनता है, बहुत खराब होता है आपके लिए. और इस पे हम लोग ने एक अलग separate video बनाई है. But yes, three things में अगर if you have to avoid bread, stop eating from today. मुझे मालूम है ज़्यादा लोग कहते हैं we eat brown bread, you know, we eat brown bread. Wow, नहीं brown bread भी अच्छी नहीं है आपके लिए. The way it is made, it is not good for you. Most of the companies are not even giving you original brown bread, so. So don't eat brown bread or any type of bread. Bread is bad for you. Now let's move on to three things that you should start if you want to lose weight fast or if you want to burn fat fast. सो तीन फूड्स, और ऐसे बहुत फूड्स की लिस्ट है जो मैं मेरे प्रोग्राम्स में बताता हूँ, बट जो तीन फूड्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो उसमें से फर्स्ट और फॉरमोस्ट है एप्पल. ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है ये बात, बट एप्पल हैज़ फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज. आप सिर्फ एक एप्पल खाओ आपको फुल फील होगा. कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, आप कॉफ़ी की जगह एक एप्पल खाओ तो आपकी नींद चली जाएगी. जो रिसर्च बता चुका है आप कर सकते हो ये चीज़ ट्राई. सो यस, नो ट्राई एन एप्पल. कभी भी आपको भूख लगे सिर्फ एक एप्पल खा लो. कितनी लो कैलोरीज भी है, कितना सेटिस्फाइड भी आपको फील होगा, और थोड़ा आपके मेटाबॉलिज्म को स्पाइक भी मिलेगा जिसकी वजह से वो बर्न होता रहेगा. शुगर के लिए, यू नो डायबिटीज़ के लिए सिर्फ एप्पल. ओके, एप्पल को आपको और किसी चीज़ के साथ नहीं खाना चाहिए. जैसे फ्रूट्स को हम लोग को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फिर वो एसिडिक हो जाते हैं, फिर वो आपके लिए अच्छे नहीं होते. सो यस, जस्ट ईट एप्पल अलोन, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. फूड नंबर टू इज ग्रीन टी. ठीक है, इट इज़ नॉट समथिंग यू ईट, इट इज़ समथिंग यू ड्रिंक. कि ग्रीन टी आप जितनी बार पियोगे उतना आपका मेटाबॉलिज्म स्पाइक होगा. और जैसे मैं बोलता हूँ, मैं कॉफ़ी टी ये सब एडवोकेट नहीं करता हूँ, बट ग्रीन टी खाली एक चीज़ है जो आपके लिए सच्ची में बहुत बेनिफिशियल है. एंटीऑक्सीडेंट्स आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए, फैट बर्निंग के लिए सबसे अच्छी है. तो ग्रीन टी चालू करो. और थर्ड, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड फूड विच इज़ सीड्स. आपने सही सुना, ज़्यादातर लोग आपने किधर भी आर्टिकल्स में पढ़ा होगा तो नट्स बोलते हैं, यू नो आव, कैशूज, आलमंड्स, ऑल मिक्स नट्स. बट आप देखो कि अगर आप मोटे हो तो आप इतने ज़्यादा फैट्स लेके हेल्दी नहीं हो सकते. आई बिलीव उसमें थोड़े क्वालिटीज ऑफ गुड फैट्स है, बट उतनी आपको ज़रूरत नहीं है, उतना आपको ऑलरेडी आपके फूड में मिल जाता है. सो मैं ज़्यादातर मोटे को ऑब्जर्व किया, मुझे मालूम है कि अगर वो नट्स खा रहे तो यूजुअली ओवर ईट कर रहे. सो डोंट गो फॉर नट्स, गो फॉर सीड्स. गो फॉर सीड्स लाइक अलसी, फ्लैक्स सीड्स. और आपको ब्रांडेड लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको नॉर्मल ले लो. अलसी बोल के तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी फ्लैक्स सीड्स मिल जाएंगे. पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स. एक्सप्लेन देम हाउ टू बी ईटिंग सीड्स. हाँ, सो यस, यू कैन ईट रोस्टेड सीड्स ऑल्सो. कि आप नॉर्मली रोस्ट कर रहे हो सीड्स, उसको खा रहे हो. आप सैलड्स में डाल के खा सकते हो सीड्स. आप कोई भी चीज़ के ऊपर आपको क्रंची फीलिंग चाहिए, जैसे मैं मेरे स्मूदीज में डाल के पीता हूँ सीड्स, तो मुझे थोड़ा क्रंची टेस्ट अच्छा लगता है. It feels like choco chips. Yeah, smoothies, salads. Anything, जिसमें भी आपको crunchy feeling पसंद है. तो या अगर आपको मंच करना है तो आपने pumpkin seeds ले लिया, आप खा रहे हो, आपका metabolism अच्छा रहेगा. Nobody just eats seeds, so you can eat them in salads or smoothies or something. So I eat seeds like this also. अगर मुझे भूख लगी तो मैंने थोड़े handful of seeds खा ली, जिसमें calories भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और आपके health के लिए बहुत अच्छा है. So this was the topic about three things that you should stop eating and three things that you should start eating. So follow these things, let us know in the comments below how is this affecting you, and don't forget to subscribe to our channel. Signing off, Sagar Mantri.